नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए, कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8565309906089753845 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपी पीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए जो हम पेड क्विज देख रहे हैं कंटिन्यू करेंगे उसको। ग्रुप्स हमारे लगातार चल रहे हैं, आप एडमिशन चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, प्लीज़ इस पूरी सीरीज़ को फॉलो किया करें और जो भी क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं उसके आंसर्स को हम बताते हैं आपको। तो अगर जो स्पेशली बोला जाए कि दिस क्वेश्चन इज़ इम्पॉर्टेंट तो उसके बारे में आप लोग थोड़ा पढ़ा करिए, ठीक है, अपने लेवल पे। तो यहाँ पे देखेंगे कौन सा देश बांग्लादेश के रूपपुर में 2400 मेगावाट क्षमता वाला परमाणु बिजली घर बना रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में इसका निर्माण हो रहा है रूपपुर में विद द हेल्प ऑफ रशिया। ठीक है, देखिए नेशनल कैलेंडर हम जो फॉलो करते हैं, ठीक है, वो ग्रेगोरियन कैलेंडर यानी कि जो इंग्लिश कैलेंडर है हमारा वो नहीं। ठीक है, हम जो शक एरा वाला हमारा कैलेंडर है ना, चैत्र जो हिंदी ये वाले महीने होते हैं, तो ये राष्ट्रीय पंचांग जो है कब स्वीकार किया गया था तो इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे। तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने इसको अडॉप्ट किया था 1957 में। ठीक है, लगभग हमारा चैत्र का महीना देखेंगे लीप ईयर को छोड़ के 22 मार्च को ऑलमोस्ट स्टार्ट होता है, तो इसी डेट पे इसको जो है अडॉप्ट किया था पार्लियामेंट ने। तो ये ध्यान रखेंगे, ये डेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं कि राष्ट्रीय पंचांग कब स्वीकार किया गया, राष्ट्रीय ध्वज है ना, इस तरह की जो नेशनल चीज़ें हैं। नेक्स्ट है रेसरपिन दवा इसमें से किससे निकाली जाती है। तो बेसिकली ये ऐसी दवाई होती है जो मुख्य रूप से जैसे कुछ मेंटल स्टेट से जूझते हैं लोग है ना, सिज़ोफ्रेनिक होते हैं, तो उनको ट्रीट करने के लिए इस प्रकार की दवाओं को जो है यूज़ करते हैं। तो मेडिसिनल प्लांट सर्पगंधा, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, इसका साइंटिफिक नेम जो यहाँ पर है लिखा हुआ। नेक्स्ट है नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। तो ये बर्ड सेंचुरी एक प्रकार का हमारा वेटलैंड भी डिक्लेयर्ड है, इसको ध्यान रखेंगे, गुजरात में है। ठीक है, इसको ऑप्शन बी को चुनेंगे हम। नेक्स्ट है मौर्य काल में सदैव राजा के पास रहने वाले परीक्षक वैद्य को है ना, एक तरीके से कह लीजिए कि पॉइजन एग्जामिनर हो, तो उसको क्या कहते थे। तो कई तरह के टर्म हैं जो मौर्यन पीरियड में अलग अलग जो पर्टिकुलर व्यक्ति होता था जिस डिपार्टमेंट से संबंधित या फिर टास्क से संबंधित, तो उसको पढ़िएगा। इसमें जो है जंगली विद ऑप्शन फर्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास के चार स्तंभों में से एक नहीं है। तो जो आप जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में चीज़ें पढ़ते हैं तो चार कॉम्पोनेंट इसके माने जाते हैं जो आइडियली एक्सेप्टेबल हैं। ठीक, एम्पावरमेंट, इक्वालिटी या फिर इक्विटी कह लीजिए, सस्टेनेबिलिटी और प्रोडक्टिविटी है ना, इसमें फैमिली टाइप जो है ये ऑड हो जाएगा। भारत में इस्लामी साम्राज्य की स्थापना का श्रेय किसको जाता है। ठीक है, तो मुस्लिम रूल जो प्रॉपर एस्टेब्लिशमेंट का क्रेडिट देते हैं वो है मोहम्मद गोरी को। ठीक है, 1170 AD ऑनवर्ड्स देखेंगे आप तो सक्सेसफुली इस्टेब्लिश करते हैं ये लोग जो है रूल। ठीक है, इससे पहले भी जैसे मोहम्मद कासिम वगैरह इन्वेड करते हैं बट वो एज अ रूल है ना इस्टेब्लिश करने में सफल नहीं हुए, तो ध्यान रखेंगे इसको, ऑप्शन डी। इसमें देखें पर्यावरणीय अखंडता और सामुदायिक स्वास्थ्य का मॉडल जो है इसका प्रस्ताव किसने दिया था, एनवायरमेंटल इंटेग्रिटी एंड कम्युनिटी हेल्थ मॉडल। तो रेडमैन है ना ऑप्शन फर्स्ट को चुनेंगे, 1970 ऑनवर्ड्स जैसे रेडमैन के द्वारा एनवायरमेंटल इंटेग्रिटी पे जो ये मॉडल दिया गया, और एक जैसे 1967 का एक्रमन का मॉडल है। ठीक है, ये ऑप्शन डी में जो लिखे हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट को चुनेंगे। इसका सबसे परफेक्ट एग्जांपल कैसे हम समझ सकते हैं इसको, तो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR, इसके बारे में थोड़ा जो है पढ़िएगा। इसमें देखें भारत के प्रधानमंत्री जो हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा क्या होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली देखिए कोई भी नेता है ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में चुना जाता है। ठीक, जैसे मान लीजिए नरेंद्र मोदी का एग्जांपल लेते हैं तो बीजेपी के एमपी के रूप में वो वाराणसी से चुने गए। ठीक है, अब जो बीजेपी और उसके जो सहयोगी दल हैं उन्होंने उनको अपना लीडर चुना। ठीक है, तो उस लीडर को रिकमेंड करते हैं है ना
जो है सॉरी रिकमेंड नहीं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फिर उस लीडर जो उस दल के हैं जो सर्वाधिक सबसे बड़ा दल हुआ चुनाव के बाद उसको, और जो अन्य जो मिनिस्टर्स वगैरह अपॉइंट होते हैं, तो इन सब की अपॉइंटमेंट की जाती है। ठीक है, ये टर्म यहाँ पे सारे के सारे जो है वो अलग होते हैं, तो इसको ध्यान रखेंगे। ठीक, ऑप्शन सी को चुनेंगे हम, जैसे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में इलेक्ट हुए। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इलेक्टेड किसके लिए यूज़ होगा, किसी भी राज्य का जो गवर्नर होता है वो नॉमिनेट होता है, तो यहाँ पे आप ये नॉमिनेशन टर्म भी समझ गए। और आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं तो आपकी नौकरी लग जाएगी, ठीक है, सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप हो जाएंगे क्या, सिलेक्टेड। ठीक है, तो चारों चीज़ें यहाँ पे आपने समझ ली होंगी। अगला है, इसमें से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है, डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल होता है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में, जो टैक्स आप लोग डायरेक्टली सरकार को जमा करते होंगे वो डायरेक्ट का एग्जांपल है, और जो इनडायरेक्ट है जो इनडायरेक्टली आप दे रहे हैं। ठीक है, तो इसी से आप इसको प्राइमरी रूप से समझ सकते हैं। जैसे क्या है, हम कोई भी सामान खरीदते हैं तो हम उसमें GST वगैरह पे करते हैं, तो वो इनडायरेक्टली जो है ना, हमने किसी स्टोर वाले को दिया, फिर उसका आगे कलेक्शन उसने टैक्स पे किया, तो GST हमारा जो है वो हमारा एक इनडायरेक्ट टैक्स है। बाकी यहाँ पे जो है ये हम लोग डायरेक्टली पे करते हैं, तो ये हमारे डायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल्स हैं। हर्षवर्धन के शासनकाल में देखेंगे तो बुद्धिज्म का काफ़ी जो है एक मतलब पीक रहा था, तो इन्होंने किस स्थान पर एक महाबौद्ध सम्मेलन आयोजित किया था, तो देखेंगे इन्होंने जैसे ये बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज वगैरह नालंदा में काफ़ी इस्टेब्लिश करी है, और कई सारे इवेंट्स हैं, तो उसी क्रम में एक महान जो कह लीजिए बहुत बड़े लेवल का बुद्धिस्ट सम्मेलन इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, जो वर्तमान प्रयागराज है ना इलाहाबाद वहाँ पे। किस रियासत के खिलाफ अभियान को ऑपरेशन पोलो कोड नाम दिया गया था। ठीक है, पहले भी हमने शायद इसके बारे में बात की है कि जब इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस हो रहा था तो हैदराबाद के जो है इंटीग्रेशन के लिए इंडियन आर्मी ने एक ऑपरेशन कंडक्ट किया था ऑपरेशन पोलो के नाम से। ठीक है, ऑप्शन सी को चुनेंगे। ठीक, इसमें से गलत ऑप्शन हमें चूज करना है। हमारे पास कुछ डैम और वाटर बॉडीज हैं और स्टेट का या जो है यूटी का नाम लिखा हुआ है, तो सरदार सरोवर डैम जो है ये हमारा नर्मदा रिवर से संबंधित है, कहाँ पे है ये, गुजरात में। ठीक है, तो मध्य प्रदेश गलत हो गया, अन्य विकल्प ठीक है। भारत का कुल वन और वृक्षों से भरा हुआ क्षेत्र देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, तो ISFR की रिपोर्ट 2 साल में एक बार आती है, तो जो लेटेस्ट हमारे पास अवेलेबल है 2021 के आंकड़ों की, अभी वही यूजफुल है, नेक्स्ट ये रिपोर्ट आने वाली है कुछ दिनों में। ठीक है, फिर नया डेटा हम पढ़ेंगे। अभी तक के हिसाब से देखें तो जो 2019 में रिपोर्ट आई थी उससे है ना जो इंक्रीज़ होकर के हमारा परसेंटेज हुआ था वो इंडिया के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 24.62% है ना। ऑप्शन बी को चुनेंगे। एग्जैक्ट अगर हम बात करें जो है उसमें स्क्वायर किलोमीटर में, सॉरी हेक्टेयर में अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक है, मिलियन हेक्टेयर, ठीक है, 80.9। हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला पूछते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। इसमें से बैक्टीरिया से होने वाला रोग हमें बताना है, तो कोई भी जैसे कंटामिनेटेड ड्रिंक या फूड है ना बैक्टीरिया से कंटामिनेटेड, उसको हम कंज्यूम करते हैं तो हमें कॉलरा जो है ये डिजीज़ होती है, तो ये बैक्टीरियल है, इसमें जो है वाइब्रियो कॉलरी है ना ये बैक्टीरिया होता है। कुछ हमारे पास माउंटेनियस पासेस लिखे हुए हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो नाथूला जो है वो सिक्किम में है, ये गलत है। जैसे बूमला वगैरह है वो सब अरुणाचल में है, अन्य ऑप्शंस ठीक हैं, इसको देख लीजिए। केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, नीरी शॉर्ट फॉर्म इसको कहते हैं, ठीक, ये है नागपुर में। राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस किस दिन मनाते हैं, तो हमारा जो पंचायत वाला ये अमेंडमेंट हुआ था जिसके माध्यम से पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, 73rd अमेंडमेंट, ठीक है, तो वो इन्फोर्स हुआ था 24 अप्रैल से। ठीक है, ईयर जरा बताइए किस ईयर में हुआ था, उसी को मनाते हैं पंचायती राज दिवस। नेक्स्ट है, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं, तो बॉर्डर में हमारे जो है कुल जो है 5 राज्य हैं इसमें, असम, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। लॉन्गेस्ट अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे लंबा संशोधन यानी कि बहुत सारे प्रावधानों को संशोधित किया गया इसमें, तो ये है हमारा ये 42nd अमेंडमेंट 1976। ठीक है, इसमें ध्यान रखेंगे, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं कई बार, है ना, ध्यान रखेंगे। चाय में एक बीमारी होती है लाल किट, है ना, यहाँ पे इंग्लिश में गलत है, रेड रॉट होगा, ठीक है।
तो ये बेसिकली एलगी से होने वाली बीमारी है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। रेड रस्ट होगा, ठीक है, करेक्शन करेंगे हम। पेलाग्रा नामक एक बीमारी होती है, तो किसकी कमी से होती है ये बता रहा है मैं, तो विटामिन B3 है ना, जिसको कि नियासिन भी कहते हैं, पूरी बॉडी को हमारी ये प्रभावित कर सकता है, ध्यान रखेंगे। पंचायती राज से संबंधित जो समितियां हमारे पास यहाँ पर लिखी हैं उसको कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है, तो 4-5 कमेटी हैं, इनके वर्ष ध्यान रखा करिए। इसमें देखिए पहला ऑप्शन ही हमारा ठीक है, बलवंत राय मेहता जो कमेटी थी सबसे पुरानी यही है, ठीक। उसके बाद अशोक मेहता कमेटी, तो ये है 19, ठीक। फिर हनुमंत राव समिति जो है इसका वर्ष हमारा था, और बीच में एक और कमेटी है ये GVK राव है ना, तो ये 85, और फिर जो है एलम सिंह भी 1986। सबसे बड़ी समिति जो है हमारी एस्टिमेट कमेटी पार्लियामेंट की, तो उसका सबसे पहली बार गठन कब हुआ था कुल मिला के ये बताना है, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस 1950 में, ठीक है। आपको पता है कि इसमें कुल 30 मेंबर्स होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से चुने जाते हैं। भूपरपट्टी में कार्बन का लगभग प्रतिशत हमको बताना है, तो कार्बन का परसेंटेज अर्थ क्रस्ट की अगर हम बात करें, सबसे ऊपरी लेयर जो जैसे हम अर्थ को मुख्य तीन भागों में पड़ते हैं ना, सबसे अपर लेयर क्रस्ट में है ना जितने भी हमारे मिनरल पाए जा रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी होती है ऑक्सीजन की, जैसे ज़्यादा वाले भी जान लीजिए 47% के आसपास। सिलिकन है ना लगभग है ना, और एलुमिनियम जैसे हो गया तो ये लगभग 8%, तो कार्बन का परसेंटेज 0.025 है, ठीक है, बी को चुनेंगे। एक क्वेश्चन आपको ये बताना है कि हमारे एनवायरनमेंट में है ना, एटमॉस्फेयर में कह लीजिए, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का परसेंटेज कितना है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का शुरुआत जो है वर्ष बताना है हमें, तो जो है मुख्य रूप से रूरल एरिया उसको फोकस में रखते हुए कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम आज़ादी के बाद स्टार्ट किया गया था 1952 में। इंटरनेशनल मिलेट ईयर है ना, अंतर्राष्ट्रीय कदन वर्ष, तो या फिर मोटे अनाजों का वर्ष जो है, तो किस ईयर को डिक्लेयर किया गया UN के द्वारा, तो अभी जो चल रहा है 2023 ही है ना, इम्पॉर्टेंट ऑप्शन बी को चुनेंगे। अक्टूबर 2023 में किस स्पेस एजेंसी ने साइकी एस्टेरॉयड मिशन लॉन्च किया है, तो एक मिनरल रिच एस्टेरॉयड है साइकी, ठीक है, तो उसके कुछ स्टडीज और टेस्टिंग वगैरह के लिए एक स्पेस जो मिशन लॉन्च किया गया है उसको लॉन्च किया है नासा ने, ठीक है, फ्लोरिडा से, ऑप्शन फर्स्ट। 16 अक्टूबर 2023 को पहली भारत और किस देश के बीच 2+2 विदेश और रक्षा वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की गई, तो 2+2 जो मिनिस्ट्रियल लेवल डायलॉग होते हैं उसमें जो डिपार्टमेंट्स कौन से एंगेज हैं हमारे, फॉरेन और डिफेंस, तो ये इंडिया और UK के बीच में जो है ना पहला 2+2 आयोजित हुआ है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है PLFS रिपोर्ट, जहाँ अभी हमने पहले भी देखा था पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, तो उसके अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य की महिला श्रम बल में भागीदारी 2017-18 के आंकड़ों से जो कि 14.2% थी, 2022-23 में कितने प्रतिशत हो गई है, ठीक है, तो इंक्रीज होकर के 32.10%, काफ़ी इंपॉर्टेंट आंकड़ा है, प्लीज़ इसको ध्यान से पढ़िए, याद रखिएगा मतलब। अगला है भारत में पहला तिलापिया पार्वो वायरस, एक प्रकार का वायरस है, अभी रिसेंटली रिपोर्ट किया गया था तमिलनाडु के कुछ जो है तालाबों में, ठीक है, उसको ध्यान रखेंगे। और तो ये स्टेट सॉरी डिस्ट्रिक्ट पूछ सकते हैं है ना, तमिलनाडु का रानी पेट नाम है, ठीक है, हो सके तो इसे भी ध्यान रखेंगे। और जैसे ये तिलापिया वायरस जो है सबसे पहले रिपोर्ट किया गया था चाइना में, फिर थाईलैंड में, ठीक है, चाइना में 2019 में, फिर थाईलैंड में, फिर इंडिया में भी, ठीक है, तो उसको ध्यान रखेंगे। 16 अक्टूबर 2023 को नई दिल्ली में EV रेडी इंडिया डैशबोर्ड जो है इसका शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया, तो RK सिंह जो पावर मिनिस्टर हैं इन्होंने लॉन्च किया है इस डैशबोर्ड को। ये बेसिकली पूरा जो है एक वेबसाइट ही है कह लीजिए, everreadyindia.org, इस पर विजिट कर सकते हैं। और मुख्य रूप से जो ये पोर्टल जो या डैशबोर्ड कह लीजिए लॉन्च किया गया है, तो हमारा जो कह लीजिए इलेक्ट्रिक सेक्टर में जो ये मोबिलिटी है ना,
उससे संबंधित जो डेटा वगैरह है वो इस पे एआई के हेल्प के साथ अवेलेबल है। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति व नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मार्टी अतिसारी, ठीक है, इनका लगभग 86 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, तो संबंधित है ये फिनलैंड से, ऑप्शन सी। आईएसओ सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला देश का पहला महिला पुलिस स्टेशन कौन सा बना है? तो जो सर्विस और क्वालिटी को एक कह लीजिए अच्छे तरीके से मेंटेन करने के लिए जो महिला थाना है भोपाल का, इनको ये सर्टिफिकेशन मिला है, बी ऑप्शन, मध्य प्रदेश में। अक्टूबर 2023 में हमारे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो जैसे गांधी जी की स्टैचूज कई देशों में लगे हैं, तो उसी तरीके से रविन्द्रनाथ टैगोर जी का स्टैचू अनवील हुआ है वियतनाम में, ऑप्शन हम सी को चुनेंगे, ठीक है। और इसमें इनॉग्रेटर का नाम ध्यान रखना है एस जयशंकर, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं। लेटेस्ट अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन है, अक्टूबर में डेनियल नोबोवा किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो इक्वाडोर, ऑप्शन सी। अक्टूबर 2023 में किसको अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन के बोर्ड यानी कि जो निदेशक मंडल होता है उसमें शामिल किया गया? तो भारत की तरफ से मिनेश शाह, इनका नाम ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किसकी विधानसभा में सबसे कम सीटें हैं? तो जो स्मॉलेस्ट स्टेट्स हैं या यूटी हैं, जैसे दिल्ली और पुडुचेरी में, यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, तो पुडुचेरी में ही सबसे कम जो सीट्स हैं, कुल हैं इनकी संख्या 30। भारत सरकार के द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना किस वर्ष में की गई? तो 1985 में राजीव गांधी जी के द्वारा इसको रीनेम किया गया था, बेसिकली जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन थी, है ना, उसको। तो यहाँ पे हम सी ऑप्शन को चुनेंगे। और अभी फिर से जो है इसको रीनेम किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के रूप में, है ना। तो ये वाला ईयर जरा बताइए हाल ही में किस वर्ष में किया गया है। पैंगोंग लेक कहाँ पर स्थित है? ठीक, तो ये जो चाइना के साथ एडजेसेंट बॉर्डर है लद्दाख के रीजन में, वहाँ पे 2020 में यहीं पे देखेंगे तो हमारे सैनिकों के साथ कुछ चाइनीज सैनिकों का क्लैश हुआ था। राष्ट्रीय महिला आयोग 1992 में स्थापित हुआ, उसमें अध्यक्ष सहित महिलाओं की जो सदस्यों की संख्या हो सकती है वो कितनी हो सकती है? तो ये हो सकती है कुल 7। ओपेक संस्थान के बारे में हमने पहले बात की हुई है, ठीक है, फुल फॉर्म जरा फिर से आप कमेंट करके बताइए। इसका मुख्यालय पूछा गया है यहाँ पे, ये है वियना में, ठीक है। अगला है आयोडीन हमें कहाँ से प्राप्त होगा या इसमें से किस ऑप्शन में? तो लैमिनेरिया जो आप देख रहे हैं ऑप्शन बी में, ये बेसिकली एक प्रकार का क्या होता है, ब्राउन एल्गी, ठीक है, इससे प्राप्त होता है आयोडीन। तो आयोडीन डेफिशिएंसी के केसेस में लैमिनेरिया के उपभोग को बढ़ाने की जो सलाह दी जाती है। इन विकल्पों में देखिए तो कहा गया है कि संसार के किस क्षेत्र में जीवधारियों का घनत्व सबसे अधिक होता है? तो डेंसिटी ऑर्गेनिज्म वाइज देखेंगे तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होंगे, है ना, खास करके जो इक्वेटोरियल रीजन हमारा है उस क्षेत्र में, यहाँ पे हमारा जो डेंसिटी होगी या फिर कह लीजिए पर स्क्वायर किलोमीटर में जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है इनकी संख्या सबसे ज़्यादा होगी। इनमें से कौन सा देश सार्क समूह का सदस्य नहीं है? ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन जो समूह है, इसमें म्यांमार जो है ये ऑड हो जाएगा। अमेरिका यानी कि यूएसए में सिलिकॉन वैली जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जितनी भी आईटी सेक्टर की इंडस्ट्रीज काफ़ी पॉपुलर हैं, ठीक है, तो सिलिकॉन वैली ये किस शहर में है ये हमने पहले भी बात की हुई है, ठीक है, यहाँ पे चूंकि इस्टेब्लिश्ड हैं तो इस वजह से इसको सिलिकॉन वैली कहते हैं। तो ऑप्शन सी को चुनेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग। इंडिया के सिलिकॉन वैली का जो शहर कहते हैं किसको, बेंगलोर को। जरा आप ये बताइए सिलिकॉन वैली यूएस में कहाँ पे स्थित है, कमेंट करिए जरा। तवांग बौद्ध मठ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री है इंडिया में, अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी, ठीक है। इसी के साथ यहाँ पे इस वीडियो को कंप्लीट किया हमने, इसके आगे से हम अगले वीडियो में देखेंगे। जो क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं प्लीज़ कमेंट करिए, ठीक है, इंतजार रहेगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।